अभी स्टिचेस आया है, 6 महीने तक वो खेल नहीं सकता। कल हम जा रहे हैं घर, तो यहाँ से बेंगलुरु से मेरा फ्लाइट है गुवाहाटी तक। अभी अभी टाइम हुआ है रात के 9-10 बजने वाला है, ठीक है। तो फिर मैं अभी पैकिंग करता हूँ, कल सुबह की फ्लाइट है, तो पैकिंग के कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो लगभग सारी पैकिंग हो गई, अभी मुझे सोना पड़ेगा बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरा एयरपोर्ट का जो बस है यहाँ से जाता है वो 4:30 को जाता है। चलिए अभी के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 4 बजे तो मैं उठ गया और हाफ एन आवर में मेरा बस है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा पैकिंग है, ये लैपटॉप डालना है, बस हल्का सा पैक करना है, 5-10 मिनट लगेगा और जल्दी निकल रहे हैं। चलिए चैनल, तो मैं हूँ मंजिल और मैं करंटली पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं था कर्नाटका में, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ, मेरा नीज का बर्थडे है, सो मुझे जाना पड़ेगा। अरे भाई गाड़ी निकल रहा है वहाँ से, एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट बस मिलता है, वो 4:30 को मिलता है एंड इट्स ऑलरेडी 4:20-22 हो गया और मेरे पास बस 8 मिनट्स है और मुझे जल्दी से जाके बस पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से भाई मुझे बस स्टैंड तक गाड़ी से छोड़ देगा, फिर मैं वहाँ से एयरपोर्ट का डायरेक्ट बस लेके निकल जाऊँगा। हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए, अभी बस के लिए वेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट 4:30 हुआ है, हम लोग टाइम पे पहुंचे, तो गाड़ी नहीं गया होगा। टिकट 285, ठीक है, कैश में लिया, और आप UPI में भी कर सकते हो। एयरपोर्ट, ये बस स्टैंड है, ऐसा दिखता है, और ये हो गया कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। सॉरी, आई नीड टू गो दैट साइड। नो, फॉर इकोनॉमी, दिस इज फॉर बिजनेस, राइट? प्रीमियम। आई नीड टू गो दैट साइड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं गलती से प्रीमियम चला गया था, प्रीमियम और बिजनेस, ये है इकोनॉमी। एक्चुअली ये अमीर लोगों के लिए बिजनेस क्लास, ये गरीब लोगों के लिए, ये अमीर ये गरीब, तो हम गरीबों वाले इकोनॉमी क्लास में, तो गलती से वहाँ चला गया था। कोई नहीं, एक दिन जानबूझ के जाएंगे वहाँ। आ गया, यहाँ पूरा सब कुछ खोलने को देते हैं, बेल्ट खोलो, शू खोलो, बस अपना अंग बचा के चलो। अभी चलते हैं उस पर, मिलते हैं। आते हैं आप इस पार। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक इन लास्ट पार होता है, मतलब इसको पार कर लिया तो आप जाके बोर्डिंग कर सकते हैं। ऑर्डर बूथ आउट हियर, हाँ ये वाली सिस्टम है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, और पेमेंट भी कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, मतलब काउंटर जाके ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है। मैंने दार्जिलिंग टी ऑर्डर किया, इसका प्राइस कितना है भाई, आप लोग गेस कीजिए। इट कॉस्ट मी 288 रुपी भाई, जो 10-15 रुपये में हो जाता है, देख रहे हो भाई। चलिए कोई नहीं, एयरपोर्ट है और सुबह जल्दी उठ के आया था ना, तो अभी थोड़ा नींद नींद से लग रहा है, तो एक चाय का तो बहुत ज़रूरी था, कड़क चाय, और वो भी ब्लैक टी, अभी पीते हैं, चुस्पी लेते हैं चाय। चाय पीते पीते एडिटिंग का काम शुरू करते हैं। रेडी हो गया वॉशरूम, मतलब हल्का वल्का हो गया, 9:25 हुआ है, 25 से बोर्डिंग शुरू है, तो बोर्डिंग का टाइम हो गया, अभी चलते हैं। और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू है, 4 exits over the wings and 2 doors in the front of the aircraft. Bye bye Bangalore, bye bye Tata.
हाँ भाई ये सही है। ये देखिए चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तीन सीट के लिए, तीन लोगों के लिए दो लगाया गया है। एक यहाँ एक यहाँ, तो सही है। मैं फ्लाइट में नहीं लेगा आपको ये सुविधा, मैंने सोचा कि चार्ज पे लगा देता हूँ, ट्राई किया लगाने के लिए, तो यहाँ लगाया लेकिन भाई चार्ज नहीं ले रहा है। और मैंने दीदी को पूछा दीदी क्यों नहीं ले रहा है, तो बोला कि ये एडाप्टर काम नहीं करता, ये वाला जो आईफोन का नया एडाप्टर है। ये वाले एडाप्टर काम नहीं करता है, जो आईफोन का पुराने वाला एडाप्टर है दैट वर्क्स। जब आप फ्लाइट में होते हो ना, फ्लाइट के अंदर जब उड़ रहा होता है तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस तो है नहीं, मतलब नेटवर्क आएगा नहीं, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर आपको बोर लगेगा। आपके पास अगर आप गाना मतलब जो डाउनलोड है वो सुनोगे, ऑनलाइन भी सुन नहीं सकोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है हर एयरलाइन में होता है, जैसे विस्तारा में। विस्तारा का मैं अभी फ़िलहाल तो विस्तारा में, तो विस्तारा का दिखाता हूँ। यहाँ देखो वाईफाई, देखो ये विस्तारा वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप भी, मुझे लगेगा कि मैं इंटरनेट ब्राउज कर सकता हूँ, ये यूट्यूब है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कनेक्ट टू इंटरनेट, तो ऑफलाइन दिखा रहा है। लेकिन आप एक ही वेबसाइट ना यहाँ ब्राउज कर सकते हो .com, ये विस्तारा वर्ल्ड .com, फिर आप एंटर दबाइए और यहाँ देखिए ये विस्तारा वर्ल्ड .com है, ठीक है। यहाँ आप लोग मूवीज़ देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, आप एंटरटेन हो सकते हो। लाइक अभी 3 घंटे का जर्नी है, आराम से एक मूवी आप आराम से देख सकते हो। अब वो तो मैंने विस्तार के बारे में बता दिया कैसे वाईफाई कनेक्ट करना है, कैसे मूवी देखना है। लेकिन अब अगर आप डिफरेंट एयरलाइन में हो तो आप हेजिटेट मत कीजिए, आप केबिन क्रू को अप्रोच कीजिए, बोलिए कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे वाईफाई का एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो लोग आपको गाइड करते हैं, आप टेंशन नहीं मत लीजिए। खाने में है ऑमलेट, ये आलू का कुछ है और कुछ चटनी है, ये बन गया है, बटर है, कारण आसपास के एरिया में अभी फ्लड हुआ है, तो ये देख सकते हो यहाँ से ज़मीन छिर के निकल गया, वहाँ से वहाँ देखिए आइलैंड, छोटी छोटी आइलैंड बने हुए हैं। पर मैं रुका नहीं, कभी कुछ से भी मैं मिला नहीं, ये किला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक गुवाहाटी एयरपोर्ट। हम घर फाइनली पहुंच गए, यही है गुवाहाटी एयरपोर्ट, हमारे प्यारे गुवाहाटी एयरपोर्ट। मुछुआ तो गजब बनाया है, घर पहुँच गए। आसाम के ब्लॉग में कभी मतलब अभी तक आसाम का मैं ब्लॉग किया ही नहीं, ठीक है, डाला नहीं, ब्लॉग बनाया भी नहीं और डाला भी नहीं, तो ये काम आसाम सीरीज, मेरा घर से घर दिखाऊंगा आप लोग। वो जो लिस्ट दिखाया था ना, तो वहाँ पील अभी आसाम भी पीले हो गए, देखिए कलर चेंज हो गया। वो भाई लोगों से बात कर रहा था, ये लोग कर्नाटका लीग खेलने गया था फुटबॉल, और दे आर चैंपियन। लेकिन एक बात है कि वो जो व्हील चेयर पे है ना, वो भाई इंजर्ड हो गए खेलते खेलते, मेरा डिसीजन अभी स्टिचेस आया है, 6 महीने तक वो खेल नहीं सकता, दैट्स है स्पोर्ट्स इंजरी, क्या कर सकते हैं। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, प्रीपेड टैक्सी काउंटर है, और ये हम लोग का सबसे स्पेशल चीज़ 100 राइनो, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बस आसाम में मिलेगा, काजीरंगा में, ठीक है भाई जान लो। हम बस में बैठ गए, तो बता दम में रख है गुवाहाटी में, गुवाहाटी से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर, तो मैं अभी जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ। अरे गुवाहाटी के ट्रैफिक भी बेंगलोर के ट्रैफिक को टक्कर दे रहा है। हम बस से उतर गए, बस उतर के अभी यहाँ सिटी के अंदर आ गए, ये गुवाहाटी सिटी है, फिर यहाँ से जाना है मुझे और 10 किलोमीटर। ऑटो पकड़ लिए, Thank you.
क्या बताएं, हमें ट्रैफिक पॉइंट से राइट टर्न लेना था, उसके बाद हमारे बस 3 मिनट की रास्ता था, ठीक है, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पानी हुआ है वो, और वो वाली राइट टर्न क्लोज करके रखा है ट्रैफिक पुलिस ने, तो हमें सीधा आना पड़ा, फिर हम यहाँ से फिर यू टर्न लेके फिर वापस जा रहे हैं, तो वो सेम ही रोड हम लोग कवर कर रहे हैं, और वो 3 मिनट का रास्ता अभी 15 मिनट का हो गया, और अभी देखिए ट्रैफिक क्या बताएं यार। मतलब गुवाहाटी ने मुझे ट्रैफिक के साथ स्वागत किया है भाई, कोई नहीं, अपने होम टाउन अपने घर का सिटी है, अपने ट्रैफिक से करें या गुब्बारे से करें या फूलों से करें, घर तो घर है, चलो कोई नहीं, 3 मिनट की रास्ता हो और 20 मिनट चल देंगे और क्या है। वहाँ बोर्ड लगा लिया, यहाँ से हमें लेना था राइट टर्न, ये वाले आते हैं। ओह माय गॉड, ये वाले अपार्टमेंट है बहुत ही ओके, ए सर कीजे होल आई पलो आई पलो। और यही है मेरा दोस्त, मोटा हो गया मेरे, मैं भी मोटा हो गया हूँ, तो फाइनली पहुँच गया, टाइम हुआ है 5 बज गया, तो मैं बेंगलोर से जितना टाइम लिया था फ्लाइट का वही 3 आवर्स, गुवाहाटी एयरपोर्ट से इसके रूम पहुँचते मुझे 3 आवर्स ही लगा, और यही मेरा दोस्त है, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है जो इन सब क्या बोलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, अभी थक गए। तो ये वाली ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय, गुड नाइट। Sick of Saturday nights when I call you up.